नेपाल की उत्तराखंड से सटी लोकसभा कंचनपुर के सांसद दीपक प्रसाद भट्ट खटीमा पहुंचे। उन्होंने खटीमा पहुंचकर विधायक पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। दोनों ने भारत नेपाल के सीमांत क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। आपको बता दें कि नेपाल की कंचनपुर लोकसभा सीट से माओवादी कांग्रेस पार्टी के सांसद डॉक्टर दीपक प्रसाद भट्ट नेपाली राजनीतिज्ञों के साथ खटीमा पहुंचे, जहां पर उनका स्वागत खटीमा से बीजेपी विधायक पुष्कर सिंह धामी ने किया। दोनों राजनीतिज्ञों के बीच भारत नेपाल की खुली सीमा से होने वाले व्यापार और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तृत रूप से चर्चा हुई। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए दोनों जनप्रतिनिधियों ने कहा कि शासन स्तर पर दोनों देशों के अधिकारियों की लगातार वार्ता होती रहती है। दोनों देशों के सीमांत क्षेत्रों के जनप्रतिनिधियों ने आपसी सहमति से तय किया कि वो भी समय समय पर आपस में वार्ता करते रहेंगे, ताकि दोनों देशों की सीमांत जनता के छोटे छोटे मुद्दे आपसी बातचीत से हल किए जा सके। साथ ही आपसी सहमति में सीमांत क्षेत्र में विकास कार्य और समस्याओं का निस्तारण किया जा सके। हम लोगों ने तय किया है कि आपस में जो हम सीमांत क्षेत्र के रहने वाले जनप्रतिनिधि है दोनों देशों के, हम लोग भी नियमित रूप से आपस में बैठना शुरू किया है और एक दूसरे के बारे में कोई परेशानी है, हलचल, कोई भी एक दूसरे के आने जाने में कोई परेशानी हो रही है या कोई हमारे विकास से संबंधित कार्य है, उन सब में कितना प्रोग्रेस हो रहा है, कितनी उसकी रिव्यू हो रही है, कितना आगे बढ़ रहा है, कहाँ पर और हम अच्छा कर सकते हैं, उसको लेकर लगातार इस तरह का मिलना जुलना, और वैसे भी इस तरह मिलने जुलने से आपस में भी हम लोगों के संबंध प्रगाढ़ होंगे। यहाँ की जो नगर पालिका और प्रदेश के विधायक हैं और लोकसभा और राज्यसभा के एमपीज हैं, हम लोगों के बीच में राजनीतिक स्तर पर संबंध बने और जो प्रशासनिक और अधिकारी के लेवल पे जो मीटिंग्स होती हैं वो तो होती रही हैं, और इस तरह के संबंध भी जो जनप्रतिनिधि हैं वो गहराई से दोनों तरफ के रिश्तों को और संबंधों को और समस्याओं को समझते हैं, उनके बीच में मुलाकातें होती रही। संवाद 365 के लिए उधम सिंह नगर से दीपक चंद्रा की रिपोर्ट।